अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं सैयद फैज़ान कुतुबी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं, मेरी पहली दो वीडियो आने के बाद बीच में वीडियो आना बंद हो गई थी। उसकी वजह आप जानते ही हैं कि देश दुनिया के जो हालात हैं इस कोरोना वायरस की वबा की वजह से, जिसमें ना जाने कितने अपने और पराए, कितने दोस्त और अहबाब इसकी जद में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठे, जिनके ना होने की कमी हम लोगों की ज़िंदगी में हमेशा बनी रहेगी। सबसे पहले तो मैं उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ जो रमज़ान से पहले, जो रमज़ान करीम बाबरकत के महीने में इस दुनिया से वफात कर गए, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, उनकी कब्र को जन्नत की बागों में से एक बाग बना दे। अल्लाह उनकी औलादों, उनके मासूमों, उनके घर वालों को सब्र दे। अल्लाह उनके आने वाले कल को खुशियों का बायस बना दे। अल्लाह उनका और नाज़रीन इकराम आपका हामी और नासिर हो। नाज़रीन इकराम, आज मैं हिंदुस्तान की उस पाक सरजमी पर खड़ा हूँ जिसे मानिकपुर कहा जाता है। नाज़रीन इकराम, आज मैं आपके हुजूर में एक ऐसे बुजुर्ग की बारगाह की ज़ियारत कराने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ जिनको मुक्तदाए वक्त और पेशवाए औलियाए ज़माना कहा रहा है। आप हैं हज़रत मखदूम शेख हुसामुद्दीन हुसामुल हक रहमतुल्लाह अलैह। नाज़रीन इकराम, इससे पहले कि मैं आपके हयात ज़िंदगी पर रोशनी डालूं, इससे पहले कि मैं ये ज़रूरी समझता हूं कि आपके अजदाद की मख्तसर तारीख बयान कर दूं। नाज़रीन इकराम, मेरे पर दादा जनाब हज़रत सैयद शाह अबुल हसन कुतुबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तसनीफ तारीख आइने अवध सफ़ा नंबर 67 दफ़ा नंबर 32 बा हवाला किताब जज़्बुल क़ुलूब हज़रत मखदूम हुसामुद्दीन हुसामुल हक रहमतुल्लाह अलैह के अजदाद के मुतालिक यूँ फरमाते हैं कि जनाब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद यजीद पलीद के हुक्म पर वलीद बिन उकबा ने हरावल लश्कर होकर मदीना मुनव्वरा पर चढ़ाई कर दिया और कत्ले आम शुरू कर दिया और मुद्दत तक मदीना मुनव्वरा वीरान रहा। इसी फितने में हज़रत अमीर हसन बिन हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ील्ला ताला अन्हु मदीने से मुंतकिल होकर शहर यमन में जा बसे, जहां वो और उनकी औलाद शराय दीन मुहम्मदी की तालीम बांटने में मसरूफ़ रहे। फिर बा खल्फिशार खलीफाए अब्बासिया हज़रत अमीर हसन रज़ील्ला ताला अन्हु के आठवें जानशीन हज़रत मौलाना शाह इस्माइल कुरैशी फ़ारूकी रहमतुल्लाह अलैह ने बा खौफ फितना क़याम अपना वहाँ मुनासिब न जानकर फारस आए।
और फिर वहाँ से बतौर खुद अहद सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश दिल्ली पहुँचे, लेकिन बावजह आरी बिल्ला होने के किसी खिदमत सुल्तानी को पसंद ना फरमा कर बाहुक्म बातिन वतन मानिकपुर अख्तियार किया। तब हुजूर बादशाह से 60 बीघा अराजी मानिकपुर खास में, जो अब खानका के शक्ल में है, बागरस तामीर मस्जिद खानका मदरसा और मकानात के दी गई बात तामीर इमारत आपने अपने इल्म जाहिर व बातिन से एक आलम को मुनव्वर फरमाया। आपका मजार मुबारक चौका पारपुर है, जो दरगाह मुल्क इमामुद्दीन से मिला हुआ है। इन्हीं हजरत शाह इस्माइल कुरैशी फारूकी रहमतुल्लाह अलैह के पोते शहनशाह मानिकपुर गौसुल आलम हजरत मखदूम शाह हुसामुद्दीन हुसामुल हक मानिकपुरी रहमतुल्लाह अलैह हैं। आपकी विलादत सन 773 हिजरी में हुई। आपके वालिद का नाम हजरत मौलाना ख्वाजा खिज्र उर्फ ख्वाजा दानिशमंद है। आपने हजरत शेख नूरुल हक नूर कुतुब आलम पंडवी रहमतुल्लाह अलैह से तालीम व तरबियत हासिल की। बाद तकमील इल्म के हजरत नूर कुतुब आलम रहमतुल्लाह अलैह आपको साथ लेकर पंडवा से दिल्ली तशरीफ लाए, जहां 18 रबी उस्सानी सन 804 हिजरी को हजरत महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर दरगाह शरीफ के बैरूनी दरवाजे पर उलेमा और मशायख के मजमे में आपको खिरका खिलाफत पहनाया और दस्तार बांधी, और अपने वालिद व पीर मुर्शिद हजरत अलाहुल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह की वसीहत मरहमत फरमाई, और साथ ही साथ ये इरशाद फरमाया कि ए हुसामुद्दीन, तुम्हें शहनशाह मानिकपुर बनाया जाता है। इस पर हजरत मखदूम हुसामुद्दीन ने अर्ज़ किया कि हुजूर, इस वक्त मानिकपुर के शाह विलायत तो आपके भांजे हजरत शेख नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हैं। तब हजरत नूर कुतुब आलम ने इरशाद फरमाया, नसीर ता नसीर हुसाम ता क़याम। उसके बाद जब हजरत मखदूम हुसामुद्दीन हुसामुल हक रहमतुल्लाह अलैह मानिकपुर तशरीफ लाए, तो हजरत शेख नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने एक प्याला पानी से भर कर आपके पास भेजा, तो आप मखदूम हुसामुद्दीन हुसामुल हक रहमतुल्लाह अलैह ने उस पानी से भरे प्याले में गुलाब का एक फूल डालकर वापस कर दिया। पानी से भरे प्याले का मतलब यह था कि यहाँ का शाह विलायत मैं हूँ और किसी की गुंजाइश नहीं है। प्याले में गुलाब का फूल डालने का मतलब यह था कि मैं आपके मामलात में कोई मुदाखलत नहीं करूँगा, बल्कि आपकी विलायत को महकाता रहूँगा। उसके बाद हजरत मखदूम हुसामुद्दीन हुसामुल हक रहमतुल्लाह अलैह मानिकपुर में सुकूनत पजीर हो गए और अपने नूर जाहिर और बातिन से एक आलम को मुनव्वर फरमाया। आपके तमाम खुलेफाओं में हजरत सैयद राजे हामिद शाह रहमतुल्लाह अलैह और हजरत सैयद कमाल उर्फ शेख कालू रहमतुल्लाह अलैह बहुत मशहूर और मारूफ हुए। हजरत मखदूम शाह हुसामुद्दीन हुसामुल हक रहमतुल्लाह अलैह का विसाल 14 रमजानुल मुबारक सन 882 हिजरी को सरजमीन मानिकपुर में हुआ, और वहीं आपका मज़ार मुबारक मर्ज खलायक खासो आम है। आपका शजरा नसब बा हवाला तारीख आइने अवध व अंसाबुल अशराफ यूँ बयान होता है, हजरत शाह मखदूम हुसामुद्दीन हुसामुल हक इब्न हजरत मौलाना ख्वाजा खिज्र उर्फ दानिशमंद इब्न हजरत मौलाना अब्दुल रज्जाक इब्न हजरत मौलाना शाह इस्माइल कुरैशी फारूकी इब्न हजरत मौलाना जलालुद्दीन इब्न हजरत मौलाना बुरहानुद्दीन इब्न हजरत शेख जमालुद्दीन इब्न हजरत शेख सिराजुद्दीन इब्न हजरत शेख वहाजुद्दीन इब्न हजरत शेख निज़ामुद्दीन इब्न हजरत शेख ताजुद्दीन इब्न हजरत शेख बहाउद्दीन इब्न हजरत शेख अलाउद्दीन इब्न हजरत शेख नसीरुद्दीन इब्न हजरत शेख नूरुद्दीन इब्न हजरत शेख अब्दुल रहमान इब्न हजरत अमीर हसन इब्न हजरत अब्दुल्ला इब्न हजरत उमर फारूक इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।